नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं प्रिया, ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल हरिद्वार से। हरिद्वार गीता भवन में पंडित देवेंद्र किशन आचार्य जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह हो रहा है। व्यास जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण और ठाकुर जी के जीवन पर आधारित मद भागवत कथा में हजारों महिलाएं, पुरुष और धार्मिक विचारधारा के लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण एक किनारे खड़े हो गए। जरासंध और भीमसेन का युद्ध हो गया। भीमसेन ने जरासंध को जोर से पटकी दी। आज किशन लीला भागवत कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। ये भागवत महापुराण है और यहाँ भक्तजन जो है अपने भिन्न भिन्न मनोरथों को पूर्ण करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रतिवर्ष गीता भवन मंदिर में यहाँ करते हैं और बड़ी श्रद्धा से, बड़े भावना से ये सब सामूहिक रूप से इस कथा को आयोजित करते हैं और बड़ी भक्ति से कथा को श्रवण करते हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि देखिए ये सर्वजन कल्याण के लिए कथा है, सभी के कल्याण के लिए कथा है। और क्योंकि ये आयोजन जो है एक विशाल आयोजन होता है, कोई एक व्यक्ति इसको कराए ऐसा बहुत कम है, क्योंकि इस आयोजन में बहुत सा धन लगता है। तो ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से है जिनके मन में भाव है कि अपने जीवन काल में कम से कम एक कथा का तो मैं आयोजन